हेलो, वेलकम टू डॉक्टर माई टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ और उनकी ट्रू एनर्जीज क्या हैं इस कनेक्शन के लिए। लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का आपकी तरफ क्या रहेगा? पीस एंड स्पीड गाइड, जो गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर की तरफ क्या रहेगा। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी है। ये पर्सन कोई ट्रिक्स्टर है, मैनिफेस्टर है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पर आप लोग के बीच किसी पास्ट कॉन्फ्लिक्ट पे बात हो सकती है। जब भी पर्सन मतलब कि कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहता है आपसे। किसी फाइट पे जो आप लोग के बीच मेंटली आर्ग्यूमेंट थी, जो बहुत ज़्यादा आपके दिमागों में स्टक रह गई है, जो आपके भी दिमाग में उस आर्ग्यूमेंट को लेकर बातें हैं, और आपके पार्टनर के भी उस पॉइंट पर आप लोग की बात हो सकती है। ये पर्सन फिलहाल अभी मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। एक कन्वर्जेशन आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहा है। खुद कोई यहाँ पर अभी एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, अपनी ट्रिक्स आजमाता हुआ नज़र आ रहा है, जिस ट्रिक्स की वजह से आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा? डेथ। क्या चीज डेथ हो रही है भाई? ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर किसी एक जैसे हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। आप लोग के बीच जो हर्ट्स हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर डेथ की एनर्जी, मतलब कुछ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप में जो आप लोगों को चीज़ें तकलीफ दे रही हैं, उन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको एक लवर की तरह देखते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर पास में कुछ शेडो शेडो साइड इस पर्सन की कोई शेडो साइड रही हो सकती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर इस पर्सन का शेडो सेल्फ रहा हो सकता है, जिसके ऊपर इस पर्सन ने पास्ट टाइम में बहुत वर्क किया। ये पर्सन चाहता है सारी नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप से एक एंड हो जाए, एक न्यू बिगनिंग हो यहाँ पर। क्योंकि इस पर्सन ने ये पर्सन जब आपसे कनेक्टेड नहीं था तो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरा है। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट सा था, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। अगर आप कम्युनिकेट करना भी चाहें तो आपको फेस नहीं कर रहा था, आपसे बात नहीं कर रहा था, क्योंकि एक डार्क नाइट थी इसकी लाइफ में। जैसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, जो इसका एक पास था, जो इसके पास पैटर्न्स थे वो चेंज हो रहे थे। एक फिक्स साइन हो सकता है ये पर्सन, जो फिक्स साइंस होते हैं वो बहुत मुश्किल से अपने पैटर्न्स को बदल पाते हैं, ठीक है। उनके पैटर्न्स चेंज होना आसान नहीं होते, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। कुछ इसके पैटर्न थे जिनको बदलना लाजमी था। तो नेक्स्ट कुछ एक्शन में आपके पर्सन कोई ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके साथ कनेक्शन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। कोई कम्प्लीटली किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आपके पर्सन किसी ट्रांसफॉर्म एनर्जी से गुजरने के बाद आपके साथ किसी कनेक्शन में आना चाहेंगे। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट एक्शन क्वीन ऑफ पैंटिकल एंड सिक्स ऑफ फैंस। आपके पर्सन यहाँ पर कुछ स्टेबल चाहते हैं आपके साथ। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का ये रहेगा, आपको अगर अप्रोच करते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनको सक्सेस और विक्ट्री चाहिए। वो आपसे फिर ना नहीं सुनेंगे। जब अपनी लाइफ को इतना चेंज करके आएंगे, इतना ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे, तो यहाँ पर आप वो जानते हैं, आप एक स्टेबिलिटी, आपने इस पर्सन से स्टेबिलिटी ही डिमांड करी थी। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ आप लोग के बीच नेगेटिव हो चुका है, बहुत कुछ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आपने भी बहुत कुछ बोला इस पर्सन को, और इस पर्सन ने भी आपको बहुत कुछ बोला, मतलब कि आप लोग की ठीक ठाक यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट है। अगर यहाँ पर ये सिचुएशन ये पर्सन संवारना चाहता है तो कॉन्फिडेंस होके आएगा, इसको विक्ट्री चाहिए। ये इस डायलेमा में नहीं आएगा कि यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिलती है, इसको या तो ये ईगो डाउन करके जाए, यहाँ पर इसको कुछ भी सुनने को मिलेगा। मतलब कि ये उधर काम करता है जहाँ इसको सक्सेस का अंदाज़ा हो, बल्कि उस वक्त एक्शन लेता है जब इसको पता हो कि यहाँ पर 101% यहाँ पर सक्सेस है।
तो ये पर्सन आपकी तरफ जब मूव करता है तो इसको इसको श्योर एक श्योरिटी चाहिए कि इसको ना नहीं सुनना यहाँ पे, या तो यहाँ पर इसको एक डिसार्ड नहीं होना, ठीक है। पास में लेफ्ट एंड द कोल्ड एनर्जी रही है, आप लोग यहाँ पर एक दूसरे से काफ़ी टाइम तक डिस्टेंस पे रहे हैं, एक डिस्टेंस क्रिएट रहा है आप लोग के बीच, इमोशनली फिजिकली आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मूड में था, सेवन ऑफ वैंड्स के साथ एक डिफेंसिव एनर्जी में था। ये पर्सन आपको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन देखता है, ये पर्सन इस पर्सन को पता है कि आप इसकी फैमिली में अगर कनेक्ट होते हैं तो इसकी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस, एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाएगी जिसमें ये खुश रहेगा। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन आपको जैसे समझता हुआ नजर आ रहा है। एक आप एक परफेक्ट पार्टनर हैं, परफेक्ट पर्सन हैं, आप इस तरीके के पार्टनर हैं, इस तरीके के पर्सन हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लान करे जा सकते हैं, आपके साथ एक एक सेटलमेंट पे आया जा सकता है। दी हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर, एक हर्मिट से मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत सोच समझ कर आपको कुछ यहाँ पर कोई आपको ऑफर प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इसको पता है यहाँ पर कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। यहाँ तो यहाँ पर कोई एक मिच्योरली एक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल तो ये पर्सन है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी ये इमोशनल होके कोई डिसीजन मेकिंग करेगा, नहीं, ये लॉजिकल होके ही करेगा, यहाँ पर सोच समझ के करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको एक मिच्योरली एक्ट करना है। ये इसको लगता है कि यहाँ पर आपके अंदर थोड़ी सी बचपना है, आप यहाँ पर उसके एक्शंस को सही तरह समझ नहीं पाते, ठीक है। यहाँ पर है नाइन ऑफ वैंड्स के साथ, इस पर्सन को आप थोड़े से डिफेंसिव लग रहे हैं, थोड़े से जैसे आपको गुस्से में है, या तो आप यहाँ पर मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा आपको मनाना पड़ेगा, वेट में पानी पी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसको आपको मनाना पड़ेगा। नाइन ऑफ वैंड्स के साथ ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप थोड़े से डिफेंसिव हुए हैं, आप थोड़े से यहाँ पर अगर ये आपकी तरफ आया तो थोड़ा सा आप इसको इतना इजीली अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। कुछ यहाँ पर कुछ इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसने गलती करी है, जिस जो इसको समझनी चाहिए थी, जो एक्सेप्ट करनी चाहिए थी आपके सामने, जिसकी वजह से आप डिफेंसिव हैं, ठीक है। क्लैरिफाई मैजिशियन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए? बिल्कुल, ये पर्सन आपको मिस भी कर रहा है और आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है, वर्क पुट ऑन करना चाहता है ये सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पर ये कंफ्यूज है, जगल कर रहा है, कहीं ना कहीं फाइनेंसिस में भी बहुत ज़्यादा स्टक है, अपनी वर्क एरिया पे भी बहुत ज़्यादा स्टक है, और इसको आपको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, लेकिन इसको मनाना, रिझाना, समझाना नहीं आता, जैसे अपनी बात को कन्वे करना नहीं आता, तो इसको नहीं पता इसको यहाँ पर करना क्या चाहिए। लेकिन इतना यकीन है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, ये पर्सन इतना जानता है कि आप इसको छोड़ के मूव नहीं कर सकते, आप इसके साथ कनेक्टेड हैं, आप बंधे हुए हैं इसके साथ, इसको इतना पता है, मतलब कि ये एक विदाउट स्ट्रेस अपना काम में बिजी तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक पेशेंस से कोई प्लानिंग भी कर रहा है, इसके बैक ऑफ द माइंड में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है जिसको ये लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। क्लैरिफाई दैट, क्लैरिफाई दैट, क्लैरिफाई दैट, ये यहाँ पर एक सेपरेशन को ख़त्म करना चाहता है। एट ऑफ कप्स के साथ आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट एक सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे है बर्डन सम सिचुएशन, ये पर्सन चाहता है यहाँ पर एक इन एंड आउट ख़त्म हो, बर्डन सम सिचुएशन ख़त्म हो, एक वॉकिंग अवे जो सिचुएशन आप लोग की आ गई है, कभी आप वॉक अवे कर जाते हैं सिचुएशन से, या ये पर्सन कर जाता है, या तो आपके लिए कभी बर्डन बन जाती है इसके लिए, तो ये पर्सन चाह रहा है अब ये बर्डन अपने कंधों पे से उतारना है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बार बार इस रिश्ते का ख़त्म होना इसके लिए और बर्डन सम सिचुएशन बना देता है, और यहाँ पर इसके लिए जैसे प्रॉब्लमिस्टिक बन जाता है, ये आपके साथ वापस कनेक्ट होना, इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना, इसको वो समझ में नहीं आ रहा होता कि इसको करना क्या चाहिए, ठीक है। क्वीन ऑफ पैंटिकल, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पैंटिकल, ओके। सिक्स ऑफ सोल, ये पर्सन काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहता है आपके साथ, आपको लेकर ही काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहता है ये, लेकिन थोड़ा सा है डोमिनेटिंग, ये जो भी आपको क्लैरिटी देगा, ट्रुथ देगा, क्रिस्टल क्लियर तो देगा, लेकिन यहाँ पर ये डोमिनेट करेगा, हमेशा आपको उसकी सुननी पड़ेगी, आपके साथ मूव करना चाहता है, ये आपको स्टेबल और एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखता है, ठीक है, अपनी लाइफ में। क्लैरिफाई हर्मिट, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड क्यों है? होल्ड बैक करा हुआ है, बहुत कुछ होल्ड बैक करा हुआ है, आपको बता नहीं रहा, जो सोच समझ जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है वो आपको सब कुछ डिस्कस नहीं कर रहा,
होल्ड बैक कर रहा है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ चुकी है, पर्सन आपको नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट देख रहा है, सिंगल देख रहा है, आपको कोई भी अप्रोच कर सकता है इस पर्सन को, ऐसा लग रहा है, मतलब कि आपको एक परफेक्ट इमेज है इसकी, जैसे एक एक परफेक्ट पार्टनर की होती है, तो इसकी इसको ऐसा लगता है आप एक परफेक्ट इसकी लाइफ के एक ऐसे पर्सन है, आपके सब कमिटमेंट, फ्रेंडशिप, सब कुछ ही अपनी आगे की तरफ, आप एक इसको जैसे आप लोग की बाउंडिंग बहुत अच्छी है, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एक ऐसे इंसान है आप किसी के साथ भी घुल मिल जाए, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है लेकिन अभी होल्ड बैक कर रहा है ये सब सिचुएशन। आपके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज क्या है इस वक्त आपके लिए, लेट्स सी, हम चेक करेंगे। वेट, सन एंड हाई प्रिस्टेस एंड पेज ऑफ कप्स, ठीक है, हम ये सब नहीं ले रहे लेकिन यहाँ पर ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ एक अपनी अपना हैप्पी टाइम स्टार्ट करना, ठीक है, ट्रू एनर्जीज, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू एनर्जीज, टेम्परेंस, ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहा है, एक क्लैरिटी लाकर आपके और अपने रिश्ते में बैलेंस लाना चाह रहा है ये पर्सन, कंफ्यूजन से बाहर आकर कोई बैलेंस लाना चाह रहा है ये पर्सन, चाहता है अब इस रिश्ते की जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी वो खत्म हो जाए, चाहे आपके माइंड में थी चाहे इस पर्सन के माइंड में थी। हेरोफेंट का कार्ड है और यहाँ पे टावर का कार्ड है, आई थिंक बिल्कुल टावर का कार्ड है, ये पर्सन यहाँ पर आपको कोई मैरिज ऑफर दे सकता है या आपको कुछ मैरिज के बारे में आपसे कुछ जो भी प्लानिंग कर रहा है वो बता सकता है, लेकिन आपसे कनेक्शन को बनाने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, या कर सकता है कुछ टाइम में, अभी तो होल्ड बैक है, प्लानिंग चल रही है कि यहाँ पर करना क्या है, कैसे कुछ डिसाइड करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। टेन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वैंड्स, यहाँ पर फिर दोबारा दो कार्ड हैं, लेकिन ये पर्सन कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके साथ एक बैलेंस बनाने की, एक फैमिली बनाने की प्लानिंग कर रहा है। ट्रू एनर्जीज, आपके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज, सक्सेस चाहिए इस पर्सन को, जो सिचुएशन एंड हो चुकी थी वो दोबारा ट्रांसफॉर्म होने जा रही है। टू ऑफ कप्स, बिल्कुल इस रिलेशनशिप में ये पर्सन अब सक्सेस चाहता है, आपको कोई अपॉलॉजी देना चाहता है, इस रिलेशनशिप को वापस चाहता है अपनी लाइफ में ये पर्सन, ठीक है, यहाँ पे है नाइट ऑफ सूट, ये पर्सन चाहता है कि आपकी तरफ रश करे, मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन को आपके साथ कनेक्ट होना है बाय हुक और क्योंकि यहाँ पे दी एम्परर, मतलब कि यहाँ पर एक एम्परर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा सड़ियल नज़र आ रहा होगा, जैसे बहुत ज़्यादा ईगो में है एक, ये आपकी सुनने को तैयार नहीं है लेकिन इसकी नज़रें सिर्फ आपको देख रही हैं, इसको जब मौका मिले ही आपकी तरफ एक्शन ले, जब इसको अपनी सिचुएशन बिल्कुल स्टेबल लगे ये आपके साथ कनेक्ट हो और आगे बढ़ने के लिए कोई डिसीजन मेकिंग करे, ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ का वेट कर रहा है, इसकी ट्रू एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कनेक्शन बनाने वाली है और आगे की तरफ बढ़ने वाली है, ठीक है। आपके लिए इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, ये क्या फील कर रहा है इस वक्त आपके लिए, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत लाइक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत विजडम है आप, यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्सन के एक्शन से कंफ्यूज है, ये पर्सन आपको समझ रहा है कि यहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे आपको अपने पार्टनर के लिए एक्शन क्या लेना चाहिए, क्या इस स्टोरी को ख़त्म कर देना चाहिए, यहाँ पे है द वर्ल्ड का कार्ड, मतलब कि क्या इस कहानी को ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं, बिल्कुल इस ये पर्सन आपको बिल्कुल जैसे इस तरीके से समझ रहा है कि आप अपने पार्टनर के एक्शन की वजह से कंफ्यूज हो चुके हैं, आप नहीं जानते हैं यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, बजाई तो इस सिचुएशन एंड एंड हुई भी नज़र आ रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इल्यूजन है आपके माइंड में, ये पर्सन जानता है कि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आएगी भी या नहीं, मतलब यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट होगा भी या नहीं, आप ये पर्सन जानता है कि आपको यहाँ पर आप हार्ट ब्रोकन हैं, इस पर्सन के एक्शन से आप यहाँ पर हर्ट हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने खुद को बिजी कर लिया है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं लेकिन आप इसकी वजह से हर्ट हैं, ठीक है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे, आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं इस सिचुएशन से और इस पर्सन से भी, ठीक है, यहाँ पर आपको एक पॉजिटिविटी नहीं मिल पा रही है एक रिश्ते के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको वेट, मेरे व्यूअर के लिए इस कनेक्शन के लिए क्या एडवाइस है, ये पर्सन इस पर्सन को पता है जिस तरीके से इसने एक्ट करा है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, जिस तरीके का इसका बिहेवियर रहा है, आप कंफ्यूज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप नहीं जानते, आपको ऐसा लग रहा है ये साइकिल खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है, इस पर्सन के साथ आपकी हर चीज़ खत्म हो चुकी है, आपने सेल्फ पे फोकस है, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं लेकिन आप ट्रस्ट की बात करें तो ये पर्सन जानता है अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन आप एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में, ठीक है, आपको नहीं पता यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है, ग्रोथ,
आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। अब ग्रोथ आपके फाइनेंशियल कैरियर में भी हो सकती है, या आपको कोई अच्छा रिश्ता, अच्छा रिलेशनशिप भी मिल सकता है, तो आप वहां पर भी ग्रोथ कर सकते हैं। वर्कहोलिक, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर कैरियर ओरिएंटेड चीज लग रही है। आपकी कैरियर में आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको ग्रोथ को देखना चाहिए, जॉय आपको इंजॉय करना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें डिवाइन सरेंडर करें आप डिवाइन को, चीजें आपकी आपके लिए सेटलमेंट पे आती रहेंगी, ठीक है। एनलाइटमेंट, आपको कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट है इस रिश्ते के बारे में, इसके इसके आगे की चीजों के बारे में, कहीं ना कहीं से आप जानते हैं। रिकवरी, यहाँ पर एक रिकवरी आने वाली है, आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इस रिश्ते में कुछ ना कुछ है जो रिकवर करेगा, जो चीज़ें सर्विस पे थी, जो चीज़ें यहाँ पर स्टक हो चुकी थी, जो चीज़ें यहाँ पर नेगेटिविटी की तरफ जा चुकी थी, जो चीज़ें आपके लिए मिस्ट्री बन चुकी थी, वो सब रिवील होंगी। आप इनसिक्योरिटी पे, मतलब कि आप अपने हार्ट चक्रा को हर्ट कर, मतलब कि अपने आप को हर्ट करने से खुद को सेफ करना चाहते हैं, यहाँ पर आप इनसिक्योर हैं कि अब दोबारा आप हर्ट नहीं होना चाहते, अब दोबारा आप बुरे तरीके से बिखरना नहीं चाहते, आपके अंदर इतनी इतना स्टैमिना नहीं है आप इन सब चीज़ों को अब आगे को लेकर चल सकें, आप इतनी इतना स्टैमिना नहीं रखते या इतनी पावर नहीं रखते, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ रहेंगी, पॉजिटिव रुख लेंगी। ये कनेक्शन आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ लाने वाला, चाहे आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये पर्सन बिल्कुल आपको सही समझ रहा है। कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन को एंड कर रहे हैं क्योंकि आप हर्ट हो के इस रिश्ते में टायर्ड हो, थक चुके हैं, आपकी जैसे एक बस हो चुकी है, आपने आपने फोकस अपना बदल लिया। इस पर्सन के अलावा आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में और भी चीज़ों को जैसे जगह दे दिए कि आप कभी कहीं अपनी ज़िंदगी को बिजी कर लेते, कभी कहीं मतलब कि अपने वर्क एरिया पे, अपने अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी एक्टिविटीज़ को आपने थोड़ा सा चेंज कर लिया। ये पर्सन कहीं ना कहीं जानता है, ये फील कर रहा है कि यहाँ पर आप इस सिचुएशन से बस आप वॉक अवे करने वाले मूड में हैं, अब आप इस सिचुएशन को और वक्त नहीं देने वाले, या और वक्त आपके पास वैसे भी नहीं है जो आप इस सिचुएशन को वक्त दे सकें, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजडम, ये पर्सन समझता है आप विजडम से भरे हुए हैं, आपके अंदर इतना विजडम है। इस कनेक्शन को आपने कितना टाइम पहले बहुत अच्छे से समझ लिया था, ये पर्सन नहीं समझ पाया जो आप समझे थे इस कनेक्शन के बारे में। ये पर्सन फिलहाल आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, एक एंडिंग है आप लोग के बीच जिसको ख़त्म करना चाह रहा है। अब ये एक यहाँ पर एक एंड आ चुका है क्योंकि इस पर्सन के पैटर्न एक सिमिलर पैटर्न थे, उसकी वजह से यहाँ पर कोई एंडिंग आई है, और आप यहाँ पर एक स्टेबिलिटी वाले पर्सन हैं, तो मतलब अब ये एक एक बैलेंस पेज पे आने की कोशिश कर रहा है आपकी तरफ, चाहे आपको दिख रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके की आपकी एनर्जी आई, अब डिसार्ड है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे हार मान चुके हैं, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जैसे एक आपको ऐसा लग रहा है एक पेनफुल एंडिंग है यहाँ पर, चाहे आप पेन में हैं या नहीं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको इस एंडिंग का एहसास है कि ये ख़त्म हो गया, क्योंकि इतना कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। इस वीडियो को ये तरफ तीन इस तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट है या तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।